मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद और ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र, इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 156 एपिसोड होने जा रही है, और ये सफ़र जब से रवा दवा है आज मेरे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है, और मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल है उस इस एतबार से कि आज मेरे जो पर्सनैलिटी, जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, वो मेरे उस्तादों में से हैं। मेरे वो टीचर हैं जिनसे मैंने पढ़ना भी सीखा, जर्नलिज्म को समझा, जर्नलिज्म है क्या, बल्कि उन्होंने मुझे फिंगर पकड़ के मुझे जर्नलिज्म पढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जब आप मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, बल्कि मैं मीडिया इंडस्ट्री का गुरु भी उनको कहूँगा। पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया की अगर बात करें हम, पाकिस्तान के जर्नलिज्म की बात करें, बहुत कम लोग आपको साफ़ सुथरे कैरियर वाले मिलेंगे। जी हाँ, उनमें से एक नाम मेरे साथ आज मौजूद है, मेरे गेस्ट हैं ताहिर मलिक साहब। ताहिर मलिक साहब को हर वो पाकिस्तान में पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट उनका जानता है किसी न किसी हवाले से। आज के इस ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में ताहिर मलिक साहब के साथ जो नशिस्त होने जा रही है, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आज बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें हम जानेंगे उस्ताद जी से, उस्ताद जी की कहानी, उस्ताद जी की ज़बानी। तो मेरे साथ बंदे रहिए, देखते रहिए ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र पावर्ड बाय मॉडल स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज। सर, मेरे लिए तो आज बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, बल्कि ईद से पहले ईद का चांद नज़र आ गया मेरे उस्तादों की जगह नहीं बल्कि है ही उस्ताद मेरे। मलिक साहब, अगर मैं आपका तारुफ कराना भी चाहूँ ना, तो शायद मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं होंगे। ये बात हकीकत है मलिक साहब, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो लोग वाकई ही प्योरली जर्नलिज्म को पढ़ते हैं, पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो उन्होंने अगर ताहिर मलिक साहब को नहीं ना पढ़ा या ताहिर मलिक साहब को नहीं समझा, तो मैं समझता हूँ वो जर्नलिस्ट को समझ ही नहीं सके, नंबर वन। सेकेंडली, अगर हम बात करें कहाँ से शुरू करूँ मलिक साहब, 1995 से गार्डन कॉलेज से शुरू करूँ जहाँ पर आप मेरे उस्ताद थे और मेहदी हसन की मैंने बुक पढ़ी, वहाँ से शुरू करूँगा? अगर इससे भी पीछे जाए तो लोग सुनना चाहेंगे कि ताहिर मलिक साहब एक्चुअल में है क्या, आज बता ही दीजिए। और ये सफ़र जो था बचपन से, वो रंग महल की गलियों में खेलने वाला लड़का, रंग महल के स्कूल से होता हुआ वो जीसी तक कैसा पहुंच गया, और फिर यूएसए, और फिर आप आगे ये सफ़र भी तक जारी सारी है, तो आज बता ही दीजिए ख्वाबों से तबीर तक का ये सिलसिला है प्लीज़। पहले तो मेरा ख्याल है कि एक उस्ताद के लिए ना, वो एक शागिर्द से खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं होता, मतलब बड़ा एक इमोशनल है, मतलब मेरे लिए बड़ा ये सेंटीमेंटल टच था कि यार मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे 20-25 साल बाद डिस्कवर किया, मुझसे मिलना चाह रहा है, तो मैं जिस तरह तुम्हारी एक अपनी एक्साइटमेंट है, मेरी एक अपनी एक्साइटमेंट है, तो आई एम रियली प्लीज्ड, आई एम रियली ऑनर्ड, ये तो एक बात होगी। अब जो मेरा अपना सफ़र है ना, मैं समझता हूँ एज ए ह्यूमन मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि जिस माशरे में हम दोनों पैदा हुए, मैं भी लाहौर में पैदा हुआ, मुझे एक चीज़ का दुख भी है और अपने बारे में थोड़ा सा खुशी भी है। दुख इस बात का कि हम लोग ना तलाश नहीं करते अपना, जो ख्वाब का सफ़र आपने बोला ना, बड़ा खूबसूरत लाइन है आपकी, तो मैं मेरा हाल आई वॉज ए बोर्न ड्रीम, वो मेरा सफ़र बड़ा मज़ेदार हुआ। मेरा बड़ा भाई शिप में गया 80 में शायद, तो जो मेरा जहाँ मैं सोया करता था उस दीवार पर उसने उस जमाने में
वर्ल्ड मैप भेजा, तो मेरे साथ ना मैप था। मैं जब रात को जब भी, तो मेरा ख्वाब ये नहीं था कि मैं शादी करूँगा, मेरा ये ख्वाब नहीं था मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा, मेरा ये ख्वाब नहीं था कि मेरी फैक्ट्री होगी, मैं फलाऊँगा। मेरा हीरो भी कोई नहीं था। अच्छा, मैं उस मैप से मेरी इश्क था। रात को सोना और मैं परेशान हो जाना कि यार वो जब मैं अलास्का और रशिया के दरम्यान देख रहा, 30 किलोमीटर का सफ़र है, और मैं एज ए छोटा एक टीनेजर सोचता था कि यहाँ से 30-32 किलोमीटर सोवियत यूनियन है। ये 1981-82 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ड्रीम तुम्हारे की तरफ आ रहा हूँ कि मैं देखना था पाकिस्तान के मैप से वो वाह खा की जो है ना लाइन, तो उसके साथ ही ताजिकिस्तान है। तो पाकिस्तान से उस ज़माने में जो अब ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन वॉज लाइक 30-40 किलोमीटर, और 30-40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर सोवियत यूनियन अमेरिका से। तो मैं सोच रहा यार ये दुनिया क्या कॉम्प्लेक्स है कि मैं कहाँ एक खत्ते में बैठूँ, मैं अगर एक मुल्क का वीज़ा ले लूँ सोवियत यूनियन का तो मैं अमेरिका जा सकता हूँ। ये कोई मेरी टीन एज में तुम्हें कोई लोरिया नहीं नज़र आ रही तो ये ड्रीम करे। अच्छा, वो ड्रीम में होते होते फिर मैंने ना वो रेड सी को ऑब्जर्व किया, मैंने टर्की को मैप देखा, तो मेरा जो दुनिया की जो ज्योग्राफी से रिलेशन बना ना, उसे जो लिंक बना, फिर मेरे हिस्ट्री से भी लिंक बन गया, दोस्ती बन गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा हाल वो मेरा सफ़र वहाँ से ख्वाब जो था ना वो शुरू हो गया। वो जो अब मुझे समझ आया ख्वाब क्या था, वो ख्वाब बड़ा सिंपल था, जो था मेरे पास अल्फाज नहीं थे, वो ख्वाब था कि आई वॉन्ट टू बी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान, आई वॉज बोर्न इन लाहौर, आई एम रावियन, I have my 4 years in गवर्नमेंट कॉलेज, then I have my master from पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैं यहाँ पे, और लाहौर का कमाल ही अजीब है, लाहौर मतलब एक डिफरेंट सिटीजनशिप है, ये नहीं कि आई एम लाहौरी है तुम भी लाहौरी हो, तुम एक एनर्जी है लाहौर में, एक डिस्कवरी है। क्या बात, एंड लाहौर के बारे में भी बात चलते चलते तुम एक बात में अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करूँ। मुझे ये समझ आई दुनिया घूम के कि लाहौर में अल्लाह ताला ने एक बड़ी अजीब चीज़ डाली है जो किसी और शहर में नहीं। एक तो ये शहर हर एक को एक्सेप्ट कर लेता है, आप सिंधी हों, अंग्रेज हों, सबको मुसलमान हों, कोई आ जाए लाहौरी, अब कभी भी आपको ना इतना वो तंग होगा, छोटा मोटा होगा, इतना तंग नजर नहीं होगा, पहली बार। दूसरी बात ये थी कि लाहौर के लोगों में ना एक चीज़ है जो इस कल्चर में मुझे समझ आई, वो है ये सर्टिफाई करते हैं कि अगर आप डांस करते हैं ना गुजरात में, नो, जिस दिन आप लाहौर डांस करेंगे लाहौर आपको डांसर किएगा, तो आप डांसर हैं, आप क्रिकेटर हैं। जुल्फकार अली भुट्टो जितनी मर्जी तरीने करें, जिस दिन लाहौर ने कहा ना मौजूद दरवाजे में यू आर ए लीडर, वो लीडर बन गए। इसी तरह आप इमरान खान नहीं बन सकते, क्रिकेटर नहीं बन सकते, आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। तो मैं एक तमाशाई कल्चर से पैदा हुआ लाहौरिया, और मुझे देखने की तमीज़ थी, मुझे ब्यूटी सीकिंग आती थी, मुझे ब्यूटी का समझ थी कि ब्यूटी है कि नहीं है मेरे अंदर, ये मुझे नहीं पता। मुझे पता था स्कॉर्पियो है सर, आपके अंदर ब्यूटी नहीं होनी तो किसके अंदर होनी है। नहीं यार सर, ये तो वो तुम्हारा शिगिर जो है ना वो उस्ताद के लिए वापस आ रही है भाई। तो मैं ना वो जो मैं तुम्हारी गुफ्तगू से एक नया एंगल देना चाह रहा था लाहौरी होने का। तो लाहौरी की आंख से ना जब मैंने, मेरी जो वोमन थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, मेरी जो दुनिया थी वो बड़ी ब्यूटीफुल थी, मेरे दोस्त बड़े ब्यूटीफुल थे, मेरे स्कॉलर बड़े ब्यूटीफुल थे। मैंने फिर इंटेलेक्चुअल चैलेंज से मोहब्बत कर ली कि इख्तलाफ करो, सीखो, तासुब से निकल जाओ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अल्टीमेटली मेरी दोस्त थी अमेरिका में स्टेला, उसने एक दिन मुझे एक लफ्ज़ दिया जिससे मेरी सारे मुझे वो तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया की। एक दिन मैं इस तरह उससे बात कर रहा था, उसने एक तरह कहती, एक दिन मलिक बेटे मेरे क्या हुआ, कहती मलिक यू आर ए सीकर। व्हाट डू यू मीन बाय सीकर, कहती यू आर ए सीकर। मैंने फ़ौरन आगे ना डिक्शनरी में पढ़ा सीकर क्या होता है, फिर मुझे नज़र आया कि वाकई, फिर मुझे वो अपना मैप नज़र आया कि मेरा ख्वाब यही था कि यार ये इतना बड़ी जो प्लानट है, ये जो ज़मीन है, ये मेरी है। तो फिर मैं आई फील सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी कि मैंने, अगर ज़िंदगी में अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने एक कौन सा काम किया, मैं अपनी मर्जी के लोगों से मिला हूँ, मैं दुनिया का ट्रैवल किया, प्यारी प्यारी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, बड़े अच्छे लोगों से मिला हूँ, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिला हूँ, इख्तलाफ भी बड़ा किया है, इंडिया गया हूँ, चाइना गया हूँ, जापान गया हूँ, UAE गया हूँ, मिडल ईस्ट गया हूँ, यूरोप गया हूँ, अमेरिका रहा हूँ, कैनेडा गया हूँ। तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा जर्नी लगा, ये जो मेरी जो ज़िंदगी है ना मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। मैं सब 1998 में जिसमें ताहिर मलिक साहब से मिला ना अपने क्लास रूम में आते हुए, तो माशाल्लाह आप वैसे के वैसे अब भी वैसे ही हैं। तो ये क्या आपके कोई DNA में है, फैमिली में कुछ ऐसे है कि ये भी कोई ख्वाबों का या अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास ब्लेसिंग है
कि ताहिर मलिक साहब आज भी माशाल्लाह उसी तरह चिराग की तरह जल रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा हम शायनेस भी इंसान में होती है ना, मुझे सब अच्छा नहीं समझ नहीं आ रही मैं किस तरह जवाब दूँ, मगर मेरा ख्याल है पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, एक ब्लेसिंग है, इसमें तो बहस ही नहीं है ना। हम तो हैं कीड़े मकोड़े, वो जिसको ब्लेस करते करते, मगर मेरा अपना ख्याल है जो मैंने लाइफ से सीखा है, आई एम 60+, मुझे ये समझ आई है कि सारी गेम माइंड की है। ओके, डिजीज जो है ना, मेरे एक डॉक्टर दोस्त है, डॉक्टर वो था, बड़ी यंग एज में हम अमेरिका में इकट्ठे थे, उसने मुझे बताया, उसने कहा मलिक 95% जो डिजीज है ना वो टाइम की है, वो बैक्टीरिया या उन्होंने टाइम से आना है, टाइम से जाना है। 5% में से उसने कहा 4% जो डिजीज है वो साइकोलॉजिकल है और 1% रियल डिजीज है। उसने मुझे तब बताया जब 80s में हम अमेरिका में, तो उसके तुमने देखा है पाकिस्तान में हर लड़का लड़की नौजवान किसी की कमर दर्द है, किसी का गर्दन दर्द है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये प्रेशर है, लाइफ की एग्जाइटी है, फेलियर होने का एहसास है, खूबसूरत ना होने का एहसास है, गरीब के घर में पैदा होने का एहसास है, अच्छी जगह शादी ना होने का एंगर है। तो मैंने फिर जो ट्रैवलर होता है, जो आप भी हो, मेरे ट्रैवल से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अल्लाह मियाँ ने मुझे जिस तरह का भी बनाया ना, आई मस्ट एक्सेप्ट इट। मैं तो मतलब सादगी में मुझे अंदाज़ा लगा कि बहुत मज़ा है, ना सादा कपड़े पहनो, सादा खाना खाओ, सादा थिंकिंग रखो, तो उससे जो लिबरेशन आपको मिलती है ना, वो मेरा लिए आपकी हेल्थ बन जाती है। मेरा अच्छा मलिक साहब, वो जो ख्वाबों का बात हो रही थी हमारी, तो वो ख्वाबों की तबीर मिली कि सफ़र अभी भी जारी है? सफ़र तो यकीन जारी रहता है जब तक इंसान की ज़िंदगी चलती है, तो लेकिन वो जो ख्वाब थे, वो जिस तरह आपने मैक का बताया, तो वो उसकी थोड़ा सा तसलसल बताइएगा। वो तो बड़ा खूबसूरत है वो मतलब देखो ना, मैं उर्दू मीडियम बॉल सिटी ऊँचा बुंदी गना का रहने वाला, 23 साल की उम्र जब मैं अमरीका जाता हूँ तो मैं सेब खरीदता हूँ ना वहाँ से एक स्टोर में, डैलस, आजकल ही पाकिस्तान में जहाँ पे डैलस इज माई होम, सेकेंड होम। ओके, आई यूज टू लिव इन डैलस टेक्सास, तो मैं ना डैलस में सेब लिए, तो मैंने अभी वो जो गोरी जो कैशियर थी ना उससे, आई वॉन्टेड टू जस्ट कम्युनिकेट विद हर, वो बड़ी शी वाज वेरी गुड लुकिंग, तो मैंने अभी वो लोरी रंगबाजी की, मैं वो यू सी आई लाइक एप्पल्स, तो मेरी तरफ उसने देख के स्माइल दिया, कहती यस आई लव एप्पल्स। आई वॉज शॉक, मेरी उर्दू मीडियम से अंग्रेजी थोड़ी सी आती थी, मैंने फौरन अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैं कोई यार उम्र हाँ कुड़ी सेब ना प्यार कर दी, वो कहता है जी यार जी इनकी लाइकनेस नहीं, ये लव लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो वो जो सफ़र हुआ ना उसमें मुझे बड़ी इंसान की समझ आई, जो बड़ी पर्सनल जो ह्यूमैनिटी की समझ आई, मुझे ह्यूमैनिटी की समझ आई, सबसे बड़ी मुझे नेचर की समझ आई। देखो दो चीज़ें जिसने मुझे बहुत ज़्यादा वो सफ़र का जो अंदर, अच्छा तब अगर आप मुझे 23 में मिलते या 33 में मिलते, 43 में शायद मैंने ये बात नहीं कर दी थी, क्योंकि अब एक किस्म का कोर्स पूरा हो गया, मुझे ये समझ आई कि आई वॉज अ सीकर, और सीकर मैं था, सीकर हमेशा ब्यूटी का सीकर होता है, मुझे आप नेचर में ले जाएंगे मैं ब्यूटी ढूंढूंगा, मुझे इंसानों में ले जाएं मैं उनमें से ब्यूटी निकाल लूँगा, क्रिएटिविटी के साथ मुझे आप खाने में ले जाएं मैं ब्यूटी निकाल लूँगा। तो आई एम सो ब्लेस्ड, मेरा ख्याल है कि जिस इंसान में ब्यूटी सीकिंग आ जाए ना, शायद वो लिबरेट हो जाता है। ये बहुत बड़ी, ये भी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग बहुत बड़ी बात है। उस्ताद जी ये बताइएगा कि ये तो एक पहलू है ज़िंदगी का जिसके ऊपर हम जितनी बात कर लें कम है, यकीनन आपने वो जो ड्रीम देखा, बल्कि उसको मैं कहेंगे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल था, कि यानी कि जो आपने सोचा मेडिटेट किया वो चीज़ें आपके आगे आई, ठीक है। लेकिन उस्ताद जी अब लोग एक ऐसे भी ताहिर मलिक को जानते हैं जो एक प्योरली जर्नलिस्ट भी है, जिससे शायद कहा जाए कि आपकी प्रोफेशन बाई प्रोफेशन या रोजी रोटी भी थी, ठीक है। अच्छा लेकिन मैं जिस ताहिर मलिक साहब को समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ताहिर मलिक साहब ने कभी अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जर्नलिज्म करते हुए भी, शायद इसी वजह से शायद ताहिर मलिक साहब आज भी उस एक रवायती जो एक मान लीजिए एक सिनेरियो है उसमें कहीं फिट नज़र नहीं आ रहे, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? बड़ी प्लीजिंग है, बड़ी वो कहते हैं ना, बड़ी वो पंजाबी से कहते हैं चुप काली, बड़ी मेरी तारीफ का बड़ा पहलू निकलता है। बेसिकली हमें हम्बल मैन, मैं इतना पसंद नहीं करता, मगर मोहब्बत से क्योंकि हो रहा है, मैं इसका तुम्हें इनसाइड समझाता हूँ मसला क्या है। देखो कोई भी आपका एक्शन जो होता है ना उसके पीछे आपकी फिलॉसफी है। बिल्कुल, मैं एमफिल मैंने अमरीका से किया है, अमरीका में रहा हूँ, तो मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं ना, जो आपके अंदर समझ होती है ना वो आपके अमल से नजर आती है, प्रॉब्लम कहाँ फंसी हुई है।
पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है ना, पाकिस्तान की रियासत का दिल माँ वाला नहीं है। मैं क्योंकि इसको प्रोग्राम को पोलिटिकली बनाना चाहता, बेसिकली मैं पोलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, मैं बड़ा सख्त आ सकता हूँ सियासत पे ये वो, मगर मैं उधर जाऊँगा नहीं। तो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है ना, वो सर्वाइवल के लिए है, वो सैलरी के लिए है, वो अमरीकी वीज़ा लेना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं चार बंदों में जाऊँ तो मुझे SP मिले, वो चाहता है मुझे MNA जाने, वो चाहता है मैं छोटे भाई की ट्रांसफर प्रोटोकॉल मिले, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी मेजोरिटी कि मेरी बहन को अगर मेरा बिनोई कुटकुटैया करे तो मैं पूरा टेंशन पाना। तो यहाँ पे जब आप अपनी इनसिक्योरिटी, क्योंकि समाज में इनसिक्योरिटी तो बेशुमार है, निज़ाम में जस्टिस भी नहीं है, फेयरनेस भी नहीं है, तो आप जर्नलिज्म को एक सहारा लेते हो। जब आप जर्नलिज्म को सहारा लेते हो तो सहारा आप लेते हो ताकतवर से जुड़ने के लिए, तो फिर आप यू विल बिकम दी वॉइस ऑफ दी ताकतवर। ये बड़ी बारीक सी बात समझने वाली है। मैं जो समझता हूँ ना जर्नलिज्म को पाकिस्तान में, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये अगर एक मिनट आप मुझे सुन लोगे तो मेरी पोजीशन समझेगी। एक होती है रियासत, रियासत हमने बनाई है अपने पैसे से, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है पूरी दुनिया में 203 ममालिक है, 203 रियासतें हैं, सिटीजन का और रियासत का एक एग्रीमेंट हुआ कि आप हमसे पैसे लो मुझे सर्विस दो, जिस तरह के आप रेस्टोरेंट जाते हो कि मेरे से पैसे लो मुझे खाना खिलाओ। तो रियासत को इतनी नीली पीली चीज़ नहीं जो हमने बना दी, सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, उस सर्विस प्रोवाइडर में पाकिस्तान को जब आप समझते हैं ना, ये यहाँ से आपको मेरे सवाल का जवाब मिलेगा, तो रियासत का काम है टू प्लान फॉर दी कॉमन मैन, टू प्लान गुडनेस फॉर दी कॉमन मैन, आम आदमी की सेहत, आम आदमी की अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपोजर, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसका कल्चर, हर चीज़ पे ना वो ऑर्गेनाइज हो गया अगर उसकी हेल्प करे। मगर हमारी रियासत में ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब सवाल ये है कि रियासत होती है, उसके जो इदारे होते हैं, पहला इदारा उसका है पार्लीमान, जो मेरे लिए कानून बनाती है मेरी बेहतरी के लिए। हमारी पार्लीमान ने पिछले साल एक कानून बनाया कि अगर कोई बंदा पार्लीमान पर इतराज़ करेगा, तोहीन करेगा, तो पार्लीमान के पास ही अदालती इख्तियार है कि उस बंदे को बुला के सजा दे। इसका मतलब है कि तोहीन पार्लीमान एक बुरा पास है, ठीक हो गया। अब दो और इदारे हैं रियासत के, एक अदलिया, अदलिया का जज रेस्टोरेंट में हो, बाथरूम में हो, अपनी गाड़ी चला रहा हो, अपनी बीवी के साथ हो, जज वो अदालत में हो, अगर वो किसी को समझता कि इसने तोहीन अदालत की, उसके पास पावर होगी गई पानी में तोहीन अदालत होगी, वो उसकी भी तोहीन नहीं हो सकती। अब आते हैं इंतजामिया, इंतजामिया दो तरह की है। Article 6 लगता है आप अगर फौज पर तनकीद करने लगे तो या उसका मजाक हो रहा है, फौज की भी तोहीन नहीं हो सकती। सरकारी मुलाजम पर आप ज़रा बात कर लो तो वो आप पे केस कर सकता है कि मुदाखलत हुई है मेरे काम के तरफ। तो रियासत के तो मैंने ख़त्म कर दी ना, इंतजामिया भी होगी, अदलिया भी होगी और पार्लीमान भी, यही रियासत है। अब रियासत किसके लिए सजना है, महफिल हसन तेरे लिए सजाई, वो कौन है, दैट इज़ द कॉमन मैन। कॉमन मैन तो बाकी क्या बचा, कॉमन मैन बचा और उसकी वॉइस होगी रियासत की, उसकी रियासत के पास तो पावर है, कॉमन मैन पास के पास कुछ नहीं है, उसकी वॉइस है मीडिया। ये पॉइंट समझने वाला है, इफ़ यू आर ए जर्नलिस्ट यू आर ड्यूटी बॉन्ड टू बी द वॉइस ऑफ ए नो वॉइस, यू आर ड्यूटी बॉन्ड टू बी द वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड, यू आर ड्यूटी बॉन्ड टू रिप्रेजेंट द कॉमन मैन, यू आर ड्यूटी बॉन्ड टू रिप्रेजेंट द वीकर, क्योंकि बाकियों को तो सबके पास पावर है, किसी के पास एजेंसी है, किसी के पास पुलिस है, किसी के पास कुछ अथॉरिटी है, आवाम के पास क्या है। तो मेरा जो आर्गूमेंट है, मैं अपने अंदर गिल्टी हो जाऊँगा इफ़ आई विल नॉट रिप्रेजेंट दी कॉमन मैन। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी जितना भी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा या बुरा होगा, कॉन्सेप्ट वाइज फ्राम द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज वेरी क्लियर कि मैंने एक ऐसा प्रोफेशन लिया है जिसमें आई एम दी वॉइस ऑफ दी वीकर। तो वो वीकर के लिए अगर आप, मेरा थोड़ा सा ये भी शायद इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू डिफरेंट है, मेरी बचत इस तरह होगी ना कि आम जर्नलिस्ट पहले जर्नलिज्म में आया फिर उसने वीज़े लिए हैं, मेरी गुल्ला को गई, मैं 23 साल में अमरीका चला गया, तो मेरे वो सारे कोर्स पूरे हो गए, अंग्रेजी बोलने का शौक, गड्डियाँ चलाने का शौक, बारे शारे देखनी, वो सब कुछ दुनिया की जो भी थी, मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि यार आई शुड नॉट बी फाइट फॉर माई सेल्फ, मैं ये अपनी जाती छोटी छोटी चीज़ों की बजाय आई शुड बी अबव, तो मेरे लिए रिलेटिवली इट वॉज ईजी। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैंने अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम, मेरा नाम नहीं है, मेरा बिग नाम नहीं है, मगर मेरा बे नाम नहीं है, मैंने मेरा नाम आप इस हवाले से नहीं सुनेंगे कि मैंने अपनी ड्यूटी से कोई गफलत है, यही मैं कह रहा हूँ, मैं कॉमन मैन की बात की है, बिल्कुल किसी भी लेवल पे मैं गया हूँ, छोटा लेवल है मेरा, ये बड़ा लेवल है, मेरे सामने ऐसे लगता है कि मेरे सामने लोग खड़े हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। बिल्कुल। अच्छा मनीष साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका जियो जैसे अदारे के साथ भी तल्लुक रहा है, बल्कि आप उसके पॉइनियर्स में से हैं, ठीक है,
तो वो क्या थोड़ा सा उसके ऊपर बताइएगा कि भी क्या वो फिर आपने सिलसिला वो खत्म हो गया फिर? देखिए बड़ा ये भी मैं बेस वाले से भी बड़ा लगे, इसमें भी आपका जर्नलिज्म का कोई था कोई चीज अंदर से तंग कर रही थी ऐसी वो आप तबीयत के खिलाफ तो जा रहा था। आपका जो है ना मामला, तो मेरा 10 साल गुजरे नवाबों के ग्रुप के साथ, नवाबों के नेशन पाकिस्तान का सबसे पुराना बड़ा ग्रुप है, मैंने उसके साथ काम किया। फिर मैं जियो में चला गया तो जियो ऑफर्ड मी ए जॉब इन दुबई, आई एम दी लॉन्चिंग मैन, मैंने जियो को लॉन्च किया, आई एम पार्ट ऑफ दी लॉन्चिंग टीम, हमें अमेरिकन ने ट्रेनिंग दी। तो 14 अगस्त 2002 को दोपहर 12 बजे I was head of the that shift, जब मैंने अपना जो खबरनामा हमारा शुरू हुआ, मैंने कहा यूर ऑन, तो मैं आई एम दी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आसानी मीडिया। जब तक आसान में कोई इलेक्ट्रॉनिक टी वी देगा तो मैं उसकी हिस्ट्री, मैंने इस मुल्क का 12 बजे 2002 14 अगस्त को जियो को लॉन्च किया हुआ, उस शिफ्ट का मैं असाइनमेंट डिटेटर था। तो वो मेरी एक प्राइड भी है, वो भी एक ड्रीम था। मैं लिहाज से भी बड़ा लकी हूँ, मैंने पाकिस्तान में प्रिंट को शिफ्ट होते देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अब इस वक्त जब मेरे से बात करें, अब मैंने आई एम ऑब्जर्विंग द डेथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया इज रिप्लेसिंग मैं अपना टेलीविजन मीडिया। सो मैं वो जनरेशन हूँ जो पैदा हुई प्रिंट मीडिया में, मैंने फिर डेथ ऑफ प्रिंट मीडिया देखी। मेरे ख्याल में अब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ऑन द डेथ बेड है, अब हम डिजिटल वर्ल्ड में चले। तो सर आप क्या फ्यूचर क्या देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड का, क्योंकि इसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, अभी आपको पता ही चला होगा अभी एक नया वो कानून भी पास हो गया ऑलमोस्ट, तो इसको कुछ कंट्रोल किया जा सके? नहीं, तो बाउंड्रीज कोई नहीं है डिजिटल, इसको नहीं कर सके आप। फिर आप देखें ना, सऊदी अरब और शुमाली कोरिया पास अगर बनाएंगे ना, तो फिर उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो डिफरेंट रिसोर्सेज है, वो दुनिया के आइसोलेटेड है, वो आइसोलेटेड। सो शुमाली कोरिया तो दुनिया का ऐसा ही नहीं था, कटे कटे गए। अब आपके 10 लाख बंदे ग्रीन कार्ड अमेरिकन सिटीजन बैठे हैं, मैं खुद उनमें शामिल हूँ, जो अमरीका से पढ़ा हूँ अमरीका में रहता हूँ। कोई आप DHA में चले जाएँ, एक घर मुझे दिखा दें जिसका एक बंदा अमरीका में ना हो या बरतानिया में ना हो, मिडल ईस्ट में आप हैं, तो आप दुनिया के रास्ते के लोग हैं, आप दुनिया से कनेक्टेड है। मेरा ख्याल पाकिस्तान को आप दुनिया से काट नहीं सकते। 2024 में आप अगर सोशल मीडिया को बंद करेंगे तो मेरा ख्याल पाकिस्तान शिवाली को लिए नहीं बनेगा, पाकिस्तान सऊदी अरब नहीं बनेगा, उसकी अपनी रीजन, लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल ये होगा नहीं। मेरा ख्याल है कि टीवी का इरा इस खत्म, मेरा ख्याल है वो जो टॉक शो था, वो जो तीन वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहिद मलिक, हमने इकट्ठा काम किया पाकिस्तान में टीवी में। शाहिद मलिक ने एक दिन बड़ा मजेदार कमेंट किया, मैंने उनसे कहा मलिक साहब आई विल टेक केयर ऑफ द न्यूज़ एंड व्हाई डोंट यू टेक केयर द करंट अफेयर्स प्रोग्राम ऑफ द चैनल। उन्होंने कहा बड़े पंजाबी से कहते हैं ही इज़ फ्रॉम BBC, उससे अच्छी इंग्लिश शायद काफ़ी पाकिस्तान में। उन्होंने कहते हैं वो यार वो तो कि गल पे करता है जिदे च एक गंजा होंगे एक टाई वाला होंगे एक दाढ़ी वाला होंगे, तीन बंदे बैठे होंगे ने तो इंज गल करते हैं कि इंज लगे जी पॉइंट सुनो जरा कि इंज लगे कि गल बड़ी अहम हो रही है मगर हो गई रही है समझ कुछ भी नहीं आ रही। तो मुझे 20 साल पहले उन्होंने कहा तो मुझे फिर लगा कि ये चीजें चूजें जिंदा नहीं रहेगी। ये जो हमने शो डाला हुआ है ना ब्रेकिंग न्यूज, तो इमरान खान को गालियाँ, नवाजी को गालियाँ, जरदारी को गालियाँ, पीपल आर टायर्ड एंड सिक ऑफ दिस, पीपल वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड विद देयर सॉल्यूशंस। सो पाकिस्तानी कौम मेरे हिसाब से आगे चली गई है मीडिया वही मीडिया वही। जनाब ताहिर साहब, मेरे साहब मुझे बताइएगा जिंदगी में कोई ख्वाब बाकी भी रह गया कि नहीं? तो भी होना चाहिए, और मैं बड़ा फुलफिल्ड हूँ, मेरा नहीं ख्याल ट्रैवल किया है, खाया रज किया है, दोस्ती बड़ी निभाई है, ट्रैवल बड़ा किया है। मतलब मेरे में थोड़ी सी ये भी टेंडेंसी थी, मैं इतना ज़्यादा कोई पर्देदार बंदा भी नहीं, खवातीन से मिलने का मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया, सुना भी है, उनको सुनाया भी है, मेरे जहन में मुझे ये भी बड़ी फुलफिलमेंट है, दोस्तियाँ बहुत मैंने की हैं, फिर जॉब्स बहुत किए हैं, मुल्कों में गया हूँ। मतलब मैं समझता हूँ ऑनेस्टली आई एम रियली ब्लेस्ड मैन, मुझे इतना भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ख्वाब तो है, अब एक ख्वाब ज़रूर है, अब अपने ख्वाब ख़त्म हो गए हैं, ज़ात से मैं ख़त्म हो गया हूँ, क्योंकि मुझे मिल गया सारा कुछ, मुझे कोई नज़र समझ नहीं आ रही कि एक सोना है खाना है मर जाना है। मेरे लिए एक ख्वाब ज़रूर है, वो ये है जो मुझे वाकई डिस्टर्ब करता है, जब मैं पाकिस्तान अपने ये मेरी माँ है, मेरी मिट्टी है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, आपकी भी है, मुझे जब मैं नौजवान को देखता हूँ ना डायरेक्शन लेस, डिप्रेस, गुम, और समझ नहीं उसको आ रही कि वो कहाँ फंस गया, ये मेरा एक डिप्रेशन है, ये मुझे गम में ले जाता है। और वेरी ऑनेस्ट टू यू, मुझे अपना कोई गम नहीं है, मुझे ये गम आता है कि यार अगर मैं जिंदा रहूँ
तो मैं किस तरह इस इन लोगों को खींच लूँ, एक को निकाल लूँ, पांच को निकाल लूँ, दस को निकाल लूँ या ज़्यादा को निकाल लूँ, तो आई टीच एज वेल। ये एक चीज़ मुझे ज़रूर बदल करती है कि जब मैं 22-23 का था तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया करता था, ख्वाब था यार मैं बड़ा हो गया ना इस माशरे के लिए कुछ करूँगा, मैं कोई पोलिटिकल चेंज करूँगा, मैं वज़ीर आज़म बनूँगा। यार हिम्मत ही नहीं है, थकिया है नौजवान लड़का है लड़की है सिवाय शादी के और एक ड्रीम के, मैं किस तरह गलती से अमीर हो जाऊँ, उसके शॉर्टकट, वो भी शॉर्टकट, उसका भी टैलेंट नहीं है। वो इतना डिप्रेसिंग है कि यार सबसे बड़ी जो मुझे चीज़ बॉदर करती है ना कि यार ख्वाब ही नहीं है, सबसे बड़ा मसला मुझे। तो सर वो कौम खत्म हो जाती जिसमें ख्वाब देखने की सकत ही नहीं, कोई नहीं, मतलब मैं पूछा कुंजी कर रहा हूँ मोती बाजार के साथ एक छोटा सा घर है, तो मेरा कोई 2.25 मरले का मेरे दादे का घर है, मैं पैदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको भी नहीं बिलीव करता कि हर बंदे की जो बैकग्राउंड है, मेरा कोई एंग्जाइटी नहीं है, मगर मेरे भी वो ख्वाब थे यार मैं दुनिया देखूँ, मीनिंग्स निकालूँ, मुल्क क्या होता है, रियासत क्या होती है, औरत क्या होती है, नेचर क्या होती है, बारिश ही होती है, मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, सवाल ही कोई। तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल है आजकल नौजवान का? क्या आप भी एक टीचर भी है माशाल्लाह, ठीक है, तो टीचिंग तो एक ऐसा शोबा है कि आप उसमें ये उमंग पैदा कर सकते हैं बच्चों में आजकल? मेरे लिए आप मेरी आदत है मुश्किल सवाल हो गए, जो मुश्किल जवाब दे रही पासनी तहमी को शवाक अहमद बन जाती ना, अच्छी अच्छी बातें कर ले, मैं उस तरह का बंदा नहीं। मेरा हाल पाकिस्तान का रियासी ढांचा जो है ना, जो सरकार उसमें उसमें हिम्मत ही नहीं है, उसमें सकत ही नहीं है, कुत्ते वाला हल कर दिया क्रिकेट टीम का, इतनी वो एक छोटी सी प्राइड थी पाकिस्तान को कल जो फेंटा पड़ा अमरीका के हाथों, अब ये नौजवान कहाँ से उठेगा? मतलब मैं जब अपनी टीम में था जवान था, है ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं, मगर आई ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, थोड़ी सी नर्वसियत भी जरूरी होती है। मुझे बड़ा प्राइड था कि यार मैं पंजाबी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, लोरी हूँ, मुझे इंडियन के सामने मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता था। मैं जब दुनिया में जाया करता था, ट्रैवल करता था, यूज टू थिंक आई एम पार्ट ऑफ द प्लैनेट। आपने इतना मतलब गंद डाल दिए इस निज़ाम ने, एक वज़ीर आज़म को फांसी, एक को सड़कों पर पिटी मार दिया, एक को जेल में रखा हुआ है, कभी नवाज शरीफ इधर होता है कभी उधर होता है, तो जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, जो रियासती ढांचे के अंदर फ्लॉ है, मैं नहीं समझता हमारे होते जी वो चंगे टीचर लाओ, चंगे टीचर कितों आए, नोए अच्छी माइंड ढूंढनी होगी, ये सारी बुलशिट है। पाकिस्तानी इतना अजीब है इंटेलेक्चुअली, वो सारा ये कह रहा है कि आप ठीक हो जाए, और लोग कभी ठीक नहीं होते, हमेशा इन्वायरमेंट होती है। अमेरिका किस तरह बना है कि अमेरिका के हुक्मरानों ने ऐसा कल्चर पैदा कर दिया, काम करो आप भी खाओ दूसरों को भी खुश करो, इसी तरह मेरा हाल पाकिस्तान की रियासत जो है ना वो डायरेक्शन देने में फेल है। और बच्चे तो माशाल्लाह ये जो आपकी फ़िलासफ़ी है तो उसके साथ एग्री है कि नहीं, कि असल घर में भी तजाद वगैरह ये चीज़ें चलती रहती है, आर्गुमेंट वगैरह? मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि यार हर बंदा यूनिक है, मेरी कोई फ़िलासफ़ी नहीं, मेरा कोई शौक नहीं कि दूसरा बंदा मेरे से इंप्रेस हो। मेरा बेटा है, उसने आधे घंटे के लिए नहीं कभी मुझे कहा कि आई वांट टू बी जर्नलिस्ट, और मैंने 5 सेकंड के लिए नहीं उसे कभी पूछा तुम व्हाट यू वांट टू बी, नहीं मैंने पूछी कभी नहीं। उसने ए लेवल कर लिया, मैंने चंगा कर लिया, उसने कहा जी ओ लेवल कर लिया, मैं अमरीका जाना चला गया, मैंने क्या बने, कहने में अकाउंटेंट बन गया, मैंने बन गया। बट देयर लाइफ आई मस्ट लिव देयर लाइफ, वाई मैं अपनी जिंदगी। और ये भी मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये चाइल्ड अब्यूज है, जो पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी नहीं ना गुजारते फुलफिल्ड, वो बच्चों की ज़िंदगी में चले जाते हैं, और वो इन्वॉल्वमेंट वो बेसिकली अपनी कहानी होती है। क्योंकि मैं एज ए ताहिर मलिक जो मेरा जर्नी था वो मेरा जर्नी है, मैंने अच्छा किया, मैंने गलत किया, मैंने जूते भी खाए, मज़े भी लिए, आई एम अकाउंटेबल टू माई जर्नी। वाई आई शुड लिव माई सन्स लाइफ, वाई शुड माई डॉटर्स लाइफ, इट इज़ देयर लाइफ। मेरा काम ये है कि उनको एजुकेशन दूँ, उनकी सेहत अच्छी बना दूँ, उनको अच्छी कंडीशन दे दूँ ताकि वो बेहतर इंसान बने। बनना क्या ये उनका मसला है, मैंने नहीं उनका छोड़ दिया, उनका मेरा के। अच्छा मलिक साहब आगे क्या प्लान्स हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा प्लान है, अभी भी मेरा प्लान है, बल्कि मैं मेरा अभी भी दिल करता है, मेरा दिल करता है यार कोई ऐसे हम ख्याल इकट्ठे हों जिनमें अपने शौक खत्म हो गए हों, अपनी थिंक टैंक कोई इस तरह। मैं मतलब मैं आई एम अवेलेबल टू एनी बडी, कोई बंदा जो भी नौजवानों के लिए काम कर रहा है उसमें मेरा एक छोटा सा रोल हो सकता है, वो होता है मोटिवेटर का। मेरा रोल है नौजवान को कम्युनिकेशन सिखाने का, मैं आई एम ए टीचर, आई टीच, मैं आई एम द पानी रफ मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एट कृष्णा यूनिवर्सिटी, दैट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रीजन एंड ओनली सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी ऑफ द एरिया बाई HEC। तो मैं आई एम द पानी रफ द प्रोग्राम,
तो मैं, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों को अगर कम्युनिकेशन आ जाए ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, लिसनिंग क्या है, बोलना क्या है, लिखना कैसे है, तो ये भी बहुत बड़ा उनकी पर्सनैलिटी में रेवोल्यूशन ले आ सकता है। तो मेरा जो ओपन दावत है हर उस इंसान को जो इस सोसाइटी के नौजवानों को एलिवेट करना चाह रहा है, चाहे कमर्शियली करना चाह रहा है, फाइनेंशियली करना चाह रहा है, अपना बिजनेस करना चाह रहा है किसी वाले से, तो मेरी खिदमात वॉलंटियर विदाउट एनी फाइनेंशियल रिटर्न, बहुत बड़ी बात, वो हाजिर है 24 हाजिर है, सब बड़ी बात है। अच्छा वाले साहब, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, मेरी वो जो अंदर जस्तजू है ना उसको काफ़ी फ्रोक मिलेगा। वट इज़ दिस जर्नलिज्म, एक्चुअल जर्नलिज्म है क्या? हमने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, इसको हम जर्नलिज्म का नाम दे रहे हैं। वो जर्नलिज्म नहीं, ये यहाँ पे पोजीशंस है। अगर सच्ची बात करो ना, यहाँ पे जर्नलिज्म हो रहा है जो मैंने पहले आपको मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था। जर्नलिज्म अगर आप मालिक की वॉयस हैं तो जर्नलिज्म नहीं है, अगर आप एडिटर की वॉयस हैं तो आप जर्नलिज्म नहीं, अगर आप रियासत की वॉयस हैं तो आप जर्नलिज्म नहीं है, अगर आप नवाशिप की वॉयस हैं आप जर्नलिज्म, मतलब बेशुमार जर्नलिस्ट हैं, बड़े नामवर हैं, वो बड़े जज्बाती हो गए आते हैं। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि यार वी शुड नॉट हैव एनी पोजीशन, हमारी कोई पोजीशन नहीं, जर्नलिस्ट की कोई पोजीशन नहीं थी, जर्नलिस्ट की पोजीशन है कि उसको कोई यार ये क्या है, वो जो सामने है उसमें सच तलाश करो, वो एज इट इज़ ना लोगों को बता दे। मिसाल के तौर पे अब आप इंग्लैंड में हैं, वहाँ पे मैच हो रहा है पाकिस्तान का, आप ना क्रिकेटर हैं ना आप बाबर आजम है ना आप इंडियन है, आपने पूरी अपनी उसको एज इट इज़ देख रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह वो नज़र आ रहा है, आप अपनी आंख से नहीं देख रहे। यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन ओपिनियन एंड इफेक्ट एंड सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, यू शुड नॉट एडिंग योर ओपिनियन इनटू इट। आप लोगों को हकायक बताएं, सूरत हाल बताएं कि उनके इर्द गिर्द क्या है, ताकि वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। हमारा जो जर्नलिस्ट सबसे बड़ी ज्यादती कर रहा है ना, वो डिसीजन उनको बता रहा है। लेकिन शायद मतलब सब सोसाइटी में ये भी तो है कि शायद हमारे जर्नलिस्ट के पास अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, जिनके हालात और वाकयात पहले कुछ और थे। एक ज़माना वो भी था कि जर्नलिस्ट के साथ कोई बेटी का निकाह या शादी भी नहीं होती थी। अब जब पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया आया, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो एकदम से पैसे की भरमार हुई, तो शायद वो कुछ लोग ऐसे भी आ गए जो जर्नलिज्म को समझते भी नहीं थे। शायद ये भी वजह है कि आज बड़ी वजह सोसाइटी में मायूसियत ना। देखिए जो पहले जर्नलिस्ट गरीब था, जियो किस तरह आया, ये कोई जर्नलिज्म नहीं हुआ। वो गोरो ने यहाँ पे 25 करोड़ लोगों को मोबाइल बेचते थे, उन्होंने कहा भाई $500 मिलियन का एडवर्टाइजिंग बजट है, $4-5 बिलियन की हमारी इन्वेस्टमेंट है 4-5 साल में करनी है, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैदा हुआ। इसीलिए वो जो टॉक शो आया कि 50 लाख नौकरी 60 लाख उसको, तो जर्नलिज्म पाकिस्तान में नहीं डेवलप हुआ, पाकिस्तान में कैपिटलिज्म डेवलप हुआ है। पाकिस्तान में दूसरी ट्रेजिडी ये होगी कि जो मालिक थे पहले, जब एक जमाना था जो जर्नलिज्म का मालिक था वो जर्नलिज्म में ही इन्वॉल्व था। अब आप जनाब, आपका सिनेमा भी है, आपकी फैक्ट्री भी है, आपकी स्कूल भी है, सोसाइटी भी है, 10 बिजनेस करते हैं और मैंने चैनल भी करते हैं। तो ये जर्नलिज्म नहीं है, ये और इसके भी जिम्मेदार नहीं है लोग, नहीं इसके जिम्मेदार रियासत है, क्योंकि रियासत चाह रही है कि वीक जर्नलिस्ट पैदा हो। क्योंकि पहले अगर आपको याद हो, मैं तो इस 90s में देखा है, जब प्योर जर्नलिस्टिक इदारे थे ना तो मुजाहमत ज्यादा थी। अब क्या बड़ा आसान काम है, अब मिसाल के तौर पर मेरी पंखे बनाने की फैक्ट्री है, ठीक हो गया जी, मेरा साथ एक टीवी भी है, रेडियो भी है। अब मैंने वहाँ पे थोड़ी सी नवाशी या मरीम नवाज पे ना एवं नो बोल दो चल की उनकी, तो जनाब साथ ही मुझे वो नोटिस आ गए कि जनाब आपकी जो तारे हैं जो आप तांबे की डाल रहे हैं, जैली तारे, यहाँ पे केस हो गया, मेरी बिजली चोरी भी पकड़ी गई है, मेरी पार्किंग सारे सामने। तो अब इस रियासत ने बड़ी मजेदार गेम की है, इसने कहा लेसन उसको दो जिसका बाजू में होना आसान है। इस वक्त जितने भी माल कारने ना उसमें मेजोरिटी जो है वो बिजनेसमैन है, तो वो डर जाते हैं मेरा जर्नलिज्म तो बात रहेगा, बिजनेस का तो बात है, तो ये जर्नलिज्म नहीं है पाकिस्तान। मेरे साहब थैंक यू वेरी मच, मेरे साहब बातें तो वाकई बहुत है। अगर हम लाहौर के ऊपर ही बात करना चाहें एज ए लाहौरी, ठीक है, और अगर हम रंग महल के ऊपर ही बात करना चाहें, तो शायद मेरा समझता हूँ कि एक निश्चित होना और बाकी है, वो मैं आपसे प्रॉमिस ज़रूर लूँगा। आज वाकई मेरे लिए, यकीन मानिए, जुम्मे का दिन ना मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मैं अपने उस्ताद का इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसा होता है, मेरे बेस्ट इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू होने जा रहा है ये, या हुआ है। तो मैं दोबारा से सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं दोबारा भी जब इसी सफ़र में
آپ سے ملوں گا یوں ہی ملوں گا اور آپ میرے سامنے یوں ہی مسکراتے ہنستے ہمیشہ کی طرح ملیں گے, ٹھیک ہے؟ یہی لاہور کی نشانی ہے اور یہی وہ خواب ہے جس کی تعبیر میں ہم دونوں اس سفر کی طرح گامزن ہیں, اور آپ کے پیچھے چلتے چلتے شاید ہم بھی طاہر ملک بن جائیں. نہیں نہیں, تم ہو طاہر ملک. جو ہوتا ہے نا ٹیچر جو ہوتا ہے, دیکھو ایک دنیا کا واحد پروفیشن ہے جس میں ہم مرتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں میرے اندر, میں امریکہ سے پڑھا ہوں, میرے اندر ڈاکٹر فلیمنگ ہے, میرے استاد تھے, میرے اندر مہدی حسن ہے, پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, تو وہ میں جب تک مہدی حسن صاحب دنیا سے چلیں گے ڈاکٹر فلیمنگ بھی چلیں گے, مگر وہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ میرے اندر ڈال دیے, تو میں ان کا ادھار آگے ڈال دوں. میرا خیال ہے اچھا ٹیچر کبھی نہیں بنتا, نہیں بنتا, بنتا بھی نہیں چاہیے, اس کے خیالات ہمیشہ سے غلط ہیں. یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہوا ہے, آج کی یہ ایپیسوڈ. طاہر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہے, مجھے بھی امید ہے یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا اور یہ خوابوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. اس کے ساتھ شاہد میاں کو اجازت دیجیے, پاورڈ بائی ماڈل اسٹریٹ کا یہ جو پروجیکٹ ہے خوابوں سے تبدیل تک, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. پاکستان زندہ باد. اپنی گڑیا رانی کے سر میں تیل ڈال دوں؟ ساری دنیا کے پیرنٹس اپنے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے سیٹل ہو سکیں, اور ہمارے یہاں محبت کا مطلب ہے سر میں تیل ڈال دو. چلو ابا کے پاس اتنے پیسے, ابا اپنے گھر کیوں بیچ دیے؟ جہاں رشتے کمزور ہو جائیں وہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجیے, گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے ماڈل اسٹیل. آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.